हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सनी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। मेटल एंड अनमेटल का पार्ट 3 है, देखते हैं क्या होता है आज। ठीक है, सबसे पहली बात कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल के। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल एंड द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट लेकिन वहां पर एक था कौन, ग्रेफाइट, जो कंडक्ट कर रहा था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया था। नॉन मेटल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आया था, वो क्या था आपको पता है, ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ब्रिटलनेस क्या था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू व्हिच इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर पीसेज ऑन हैमरिंग। नॉन मेटल का वैसा गुण जिससे ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ये जनरली नॉन मेटल में होता है। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल जो होता है जनरली बताया जाता है उसका कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ना ही वाटर के। कारण ये होता है कि वहां पे हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, यही कारण होता है कि इट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड। लेकिन फ्यू वैसे एक्सेप्शन में होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग जनरली अगर बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात कर रहे हैं तो सबको लेकर के चलना होता है। समझ रहे हैं बात को, तो आ जाइए। सबसे पहले बता रहा है नॉन मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीजन, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। एक बात याद कीजिए आप, जब मैं मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में चर्चा किया था तो ये बताया था कि वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो वो जो मेटल ऑक्साइड बनाता है उसका जो नेचर होता है वो है बेसिक नेचर का। अब बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। आज हम देख रहे हैं कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है इसका नेचर जो है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है ना, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड का नेचर क्या होता है बताइए, तो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है। देख रहे हैं, तो ये लिख दिए हैं एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता है उसका नेचर है एसिडिक। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म बाय नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर एंड द ऑक्साइड फॉर्मड बाय मेटल इज बेसिक इन नेचर। अब बेस जो है रेड को क्या कन्वर्ट करता है, ब्लू में, जबकि एसिडिक ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां पे उदाहरण लिखवाए हैं, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का है। समझ रहे हैं बात को, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, और एसिडिक क्या करेगा, तो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करेगा। एसिड एंड बेस में बना हुआ है मेरा वीडियो, जाकर देखिए। उसी प्रकार से सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर ऑक्साइड बनाया, और इसका भी नेचर क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज में बता रहा है कि इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉन मेटल डज नॉट या डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, है ना। यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। रीजन होता क्या है कि जैसे ही अगर HCl एसिड की बात करेंगे तो सब में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं, यही वजह है कि रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। आ जाइए फिर बता रहा है फोर्थ पॉइंट में, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना। ये बात हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी देखा था, टॉपिक का नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, वैसा रिएक्शन जेकरा में ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाला को हटा देता है, साइड कर देता है,
है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे वही कह रहा है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो हाईली मतलब कि वो बरियार है, वो क्या करता है, कमजोर वाला को डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे देखिए ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट या सॉरी ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल रिएक्ट विद या डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम ब्रोमीन है ना, ये क्या हुआ क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवा रहा है तो देखिए क्लोरीन आगे ब्रोमीन को साइड कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन जो है ना वो क्या कर लिया, उसका पोजीशन ले लिया ब्रोमीन का और क्या बना लिया है ना, सोडियम क्लोराइड बना। तो कह रहा है क्या, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव नॉन मेटल टू फॉर्म साल्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, क्या बनाने के लिए, तो टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगी कि एक कोवेलेंट होता क्या है, तो मैं इसके बारे में बस इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ना होता है, समझ रहे हैं, बॉन्ड। ये जो बॉन्ड क्या है, लिंक है दो एलिमेंट के बीच में या दो कंपाउंड के बीच में। ये दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड नाम है, और दूसरा के नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, अच्छे से देखिए 100% समझ में आ जाएगी। देखिए आयोनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेन देन होगा। लेन देन कहने का मतलब क्या होता है कि एगो क्या होगा, लूजर होगा, दूसर का एक्सेप्टर होगा। ठीक है, एगो लॉस करेगा, दूसर का क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड बनते हैं है ना, जब मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, माने हम तबादला, यहां से हम चले गए वहां पे, ठीक है, हमको क्या किया, लॉस कर दिए। ठीक है, तो लॉस के केस में और जब दूसर का कोई गेन करता है उस केस में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो यहां पे लॉस नहीं होता है, ना ही कोई गेन करता है, यहां पे क्या होता है, शेयरिंग करना है ना, शेयर करके जो बॉन्ड बनता है, आप मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉन देकर के आपको ऑक्टेट को पूरा किया और आपसे लेकर के मैं अपना ऑक्टेट पूरा किया, तो यहां पर जो बात होती है शेयरिंग का, उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो नॉन मेटल का क्या कैपेसिटी होता है, तो नॉन मेटल जब रिएक्शन करता है तो ए क्या बना लेता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। और देखिए यहां पे बता रहा है, जैसे देखिए H2 plus Cl2 है, तो HCl बना है, ठीक है, 2HCl बना हुआ है। तो आप सिंपली अगर HCl के बारे में ही चर्चा कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन लिखें, क्लोरीन लिखें, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 17 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे आप 287, तो हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही आउट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कार्बन एंड कंपाउंड का वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंप्लीट डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अभी हम लोग बॉन्ड नहीं पढ़े इस चैप्टर में, आगे लेक्चर में बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो देखिए एक क्लोरीन में 7 है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, देखिए मैंने क्या बताया, ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना। तो यहां पे देखिए 7 है, तो ए क्या करेगा कि हाइड्रोजन एक अपना दे दो भाई, तो हम 8 पूरा हो जाएंगे। तो ए हाइड्रोजन क्या करता है, अपना दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 पूरा हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो डुएट पूरा करता है, दो इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे अदर एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट पूरा करते हैं, नियरेस्ट इनर्ट गैस को प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया में लड़ाई किस चीज के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए ना, हमको होना चाहिए, समझ रहे बात को, आई वांट टू बी कंप्लीट, हम कंप्लीट रहना चाहते हैं, बस सबको यही होना चाहता है, सबको क्या चाहता है कि एकदम मतलब कि हम संपूर्ण पूरा चीज हम ही को मिल जाए, समझ रहे बात को, यहाँ पे भी वही केस का लड़ाई है, समझ रहे हैं। ए हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्लोरीन को दिया, और क्लोरीन क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, क्योंकि 7 तो इसके है ना, मैं बताया बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लिखते हैं, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन एक है, जेड बराबर यानी एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्वाभाविक है कि एक ही होगा, समझ रहे हैं बात को। तब जब एक हो रहा है तो हाइड्रोजन का एक, अब क्या बताया,
हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी सब एलिमेंट है वो ऑक्टेट को पूरा करते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ड्यूएट को पूरा करता है। तब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, कहता है भाई क्लोरीन तू भी तू हमको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दे ताकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए, और यहाँ पे शेयरिंग करके काम हो जाता है, और इसी को बोलते हैं कोवेलेंट क्लोराइड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ए क्या कर रहा है, कोवेलेंट क्लोराइड बनाता है, कौन, जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है बात को, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, है ना, सिमिलरली वही कोवेलेंट वाली बात है, लेकिन ए बनाएगा किसके साथ, नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, आ जाइए अभी देखते हैं थोड़ा यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और नॉन मेटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है, वीडियो के साथ बने रहे हैं, है ना, सब कुछ समझा दूंगा मैं। ठीक है, देखिए कॉपर एंड अल्युमिनियम, कॉपर एंड अल्युमिनियम का इस्तेमाल हम लोग वायर बनाने में करते हैं, तो दैनिक जीवन में आप घर पे भी देख सकते हो, है ना, आसपास भी देख सकते हो, वायर जो है या जनरली कॉपर का मिलेगा या नहीं तो अल्युमिनियम का मिलेगा। तो ठीक है, कॉपर एंड अल्युमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग वायर, है ना, इसका इस्तेमाल वायर बनाने में किया जाता है। दूसरा देखिए, आयरन कॉपर एंड अल्युमिनियम आल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउसहोल्ड यूटेंसिल, घर का जो बर्तन वगैरह होता है वो अल्युमिनियम वगैरह का मिलेगा, है ना, कुछ आयरन के भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर के भी कुछ बने हुए होते हैं, तो कह रहा है क्या कि हाउसहोल्ड यूटेंसिल वगैरह भी हमारे घर में जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, मेटल के ही होते हैं। थर्ड में आ जाइए, जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग होता क्या है ना, समझने वाली बात है। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना, एक जो है लेयर बनाते हैं हम, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं किस पे, तो जिंक का जो लेयर बनाते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट पे, ताकि एक कोरोजन से कुछ समय के लिए बच सके। तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं जिंक मेटल के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, किस पे, आयरन ऑब्जेक्ट को, कारण क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, सिल्वर एंड गोल्ड यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, सिल्वर है ना, ये तो पता होगा आपको, सिल्वर एंड गोल्ड यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, उसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। फिर लिक्विड मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर, लिक्विड मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, फिर लीड मेटल्स आर यूज्ड इन कार बैटरी, जो लीड मेटल्स है ना, पीबी जिसका सिंबल है, उसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, कार बैटरी बनाने में किया जाता है। समझ रहे बात को? इसके बाद आ जाइए यूजेस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक घी, है ना, इससे हाइड्रोजिनेशन करके वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्शन करते हैं। ये भी कार्बन एंड कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है ना, या तो हाइड्रोजन आप ऐड करके अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ए प्रोसेस होता है। इसके बाद देखिए, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। पहला बता रहा है हाइड्रोजन का इस्तेमाल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू कन्वर्ट वेजिटेबल घी, ऑयल से घी में, वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल में किया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, एक केजी जलाने पे उसका जो एनर्जी निकलता है वो बहुत हाई होता है। इसके बाद देखिए, सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर, सल्फर का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग अमोनियम, हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनियम, है ना, वो खाद वगैरह का भी फॉर्मेशन में हुआ इस तरह से। फिर क्लोरीन का बता सकते हैं HCl बनाने में, है ना, तरह तरह का इसका इस्तेमाल आगे भी है। आई होप वीडियो समझ में आया है, लाइक करें, शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।